बिहार शरीफ में देश बचाओ संविधान बचाओ अभियान के तहत जन एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ नीतीश कुमार को अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए अपील की। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार साफ साफ कहे और विधानसभा के अगले सत्र में प्रस्ताव पारित करे। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी की शहादत दिवस पर पूरे देश में लोग जगह जगह सत्याग्रह पर बैठेंगे और 21 फरवरी को पटना में जन सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में CAA, NRC और NPR के विरोध में आंदोलन चल रहे हैं। उन सभी जगहों के प्रतिनिधि जन सम्मेलन में आए। आप साबित करो और नहीं साबित कर पाएंगे तो डिटेंशन कैंप पे जाओ। ये तो पूरे आम लोगों के लिए परेशानी की बात है। इसलिए हम चाहते हैं कि बिहार में नीतीश सरकार साफ साफ इस पर प्रस्ताव विधानसभा में पारित करे अगले सत्र में और NPR पर रोक लगाए। तो CAA को वापस लेने के लिए, NRC और NPR पर रोक लगाने के लिए, डिटेंशन कैंप बंद कराने के लिए पूरे देश में एक जबरदस्त आंदोलन है और यह आंदोलन आज छात्र नौजवान लीड कर रहे हैं। महिलाएं और खासकर मुस्लिम महिलाएं आगे आ गई हैं और मुझे लगता है कि देश के लिए बहुत अच्छी बात है। जहां महिलाएं आगे आ गई हैं, छात्र नौजवान आगे हैं, तो निश्चित तौर पर ये मोदी जी और अमित शाह अगर सोच रहे हैं कि संविधान नहीं हमारी मर्जी से देश चलेगा तो देश संविधान के हिसाब से चलेगा। कल 30 तारीख गांधी की शहादत दिवस है और हम पूरे बिहार में सत्याग्रह, पूरे देश में जगह जगह लोग सत्याग्रह में बैठेंगे। नालंदा से दीपक विश्वकर्मा के साथ स्नेहानंद की रिपोर्ट, 18 लाइव पटना।